सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से किया आह्वान, बोले तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव में बने भागीदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्कूली बच्चों के साथ करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान धूमधाम से शुरू किया गया है। लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। घरों की छतों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में स्कूली बच्चों के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि सीएम योगी ने यूपी में 4.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य तय किया है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए शासन ने 40 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इसमें 30 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग जबकि 10 करोड़ रुपए नगर विकास विभाग खर्च करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में इस बार 11 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आज से 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। यूपी सरकार का प्रयास है कि राष्ट्र गौरव के इस पर्व में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी हो। प्रदेश की योगी सरकार ने सर्वाधिक आबादी वाले राज्य की जिम्मेदारी को समझते हुए 4.5 करोड़ आवासीय अनावासीय भवन, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, संस्थाओं आदि के भवनों पर फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जन जन तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद की व्यवस्था भी तय कर दी है। हर घर तिरंगा अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। लोग खुद ही अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में लोगों ने 10 अगस्त से ही अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया था। हर घर तिरंगा अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को 17 अगस्त को लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मना रहा है। स्वतंत्रता सप्ताह के तहत जिलों में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य बल, केंद्रीय पुलिस बल और पुलिस विभाग के बलिदानियों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा। कवि सम्मेलन और मुशायरे का भी आयोजन होगा।